गाइस वेलकम टू द सीरीज ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रुलानीज इंटीग्रल। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल का ही पार्ट है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रुलानीज इंटीग्रल समझने से पहले हमें कुछ एग्जाम्स पैटर्न के ऊपर बात करना चाहिए। एग्जाम पैटर्न कैसे आएगा क्वेश्चन आपके पास? फ्रुलानीज इंटीग्रल क्वेश्चन इस तरीके से आता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में देखा गया है कि क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आएगा कि फ्रुलानीज थ्योरम। कई यूनिवर्सिटी में फ्रुलानीज थ्योरम भी आता है और उसके साथ उसका एप्लीकेशन आता है, मतलब उसका क्वेश्चन आता है फ्रुलानीज इंटीग्रल का। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फ्रुलानीज इंटीग्रल आ गया फिर उस यूनिट का कोई और क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, और या फिर क्वेश्चन आता है फ्रुलानीज इंटीग्रल का उसके साथ कोई और क्वेश्चन आता है, इस तरीके से। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रुलानीज इंटीग्रल, उसका एप्लीकेशन किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आप स्टार्टिंग से एंड तक देखना। ये नेमिंग है इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल का अगर आप बाकी लेक्चर से नहीं देखे हो तो उसे लिंक नहीं करता है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसे लिंक नहीं करता है। लेकिन आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल सीखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि एग्जामिनेशन में इम्प्रॉपर इंटीग्रल के मैंने बहुत सारे टेस्ट पढ़ाए हैं, वो आपके एग्जाम में आएगा ही, इसलिए उसे भी आप जाके जरूर देखिए। मैं आपके लिए प्लेलिस्ट बनवा दिया हूँ, आपको यहाँ आई टैब में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देखिए। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रुलानीज इंटीग्रल के ऊपर, बहुत ही सिंपल है। पहले जो मैं आपको बताऊँगा उसको बस आपको ध्यान रखना है अच्छे से, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, आपको ऑटोमेटिक अच्छे सब चीज़ समझ आएगा। चलिए बात करते हैं फ्रुलानीज इंटीग्रल के ऊपर। बेसिकली फ्रुलानीज इंटीग्रल जो है ये आपका कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का ही बताता है, जीरो से इन्फिनिटी सिंगुलैरिटी के लिए ये थ्योरम में आ जाता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं फ्रुलानीज एप्लीकेशन के ऊपर, किस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये सारा चीज़ आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा, क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। कैसे आएगा क्वेश्चन? जीरो से इन्फिनिटी फाइव ए एक्स माइनस फाइव बी एक्स अपॉन मैक्स। अभी आपको हो सकता है समझ ना आए, लेकिन मैं आपको बोला हूँ कि आपको जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको डेफिनेटली समझ आएगा, ठीक है। डी एक्स इज इक्वल टू ये हो गया साई जीरो, इसका फॉर्मूला ये होता है, ये क्वेश्चन आपके पास, इसका फॉर्मूला होगा साई जीरो माइनस साई वन लॉग बी वाई ए, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। वेयर अब मुझे मालूम होना चाहिए कि साई जीरो क्या होता है, साई वन क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा, साई जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो फाइव एक्स। फाइव एक्स क्या होगा ये आपको क्वेश्चन में समझ आएगा। फिर यहाँ पास फाइव वन का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पास इस फॉर्मूला को याद करने का तरीका क्या है कि यहाँ पास देख रहे हो क्वेश्चन में आपके पास जीरो से इन्फिनिटी है, तो सिंपल सी बात है यहाँ भी हमें मुझे जीरो लेना है, फाइव जीरो मतलब यहाँ पास लिमिट में जीरो आ जाएगा, और यहाँ पास देख रहे हो क्वेश्चन में क्या है इन्फिनिटी है, तो मुझे यहाँ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लेना है, बाकी फाइव एक्स तो सेम ही रहने वाला है। उसके बाद सिंपल सा तरीका है, जब जीरो आता है तब आपको क्या करना है, जीरो प्लस एच पुट करते हैं हम सिंपल सॉल्व करने के लिए। तो ये तरीका होता है, ये फॉर्मूला होता है, सब अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब ये आपके पास फ्रुलानीज इंटीग्रल का क्वेश्चन है, इस तरीके से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे सीखते हैं किस तरीके से सॉल्यूशन करना है। मैंने जो आपको बातें बताया उसे आपको नोट डाउन भी करना है, उसको आपको दिमाग में उतना ही रखना है, अभी हम धीरे धीरे सीखेंगे किस तरीके से करना है सॉल्व, ठीक है। सबसे पहला काम मैं आपको बताया था कि फाइव एक्स मानना पड़ेगा, तो मुझे लिखना है यहाँ पास लेट फाइव एक्स इज इक्वल टू, यहाँ फाइव एक्स मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पास फाइव ए एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा है फाइव एक्स, इसका वैल्यू होता है टेन इनवर्स ए एक्स। अब मैं यहाँ इसको लिखूँगा फाइव एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, इस तरीके से समझना है आपको। तो यहाँ पास फाइव एक्स क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, विच इज कंटिन्यूस इन द इंटरवल जीरो कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है। देन वी हैव, इस तरीके से थोड़ा आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि फॉर्मूले में आता है फाइव जीरो, ठीक है, फाइव जीरो हमें निकालना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, लिमिट जीरो मतलब एक्स टेंस टू जीरो प्लस यहाँ आ जाएगा फाइव एक्स। अब हमें मालूम है कि फाइव एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पास आएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ से हो जाएगा फाइव जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स कम एच कर लेते हैं हम, एच टेंस टू जीरो, यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स जीरो प्लस एच, तो यहाँ से आएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा टेन इनवर्स h, यहाँ हो जाएगा फाइव जीरो, यहाँ वैल्यू पुट अप कर दो, यहाँ से क्या आएगा टेन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, तो टेन इनवर्स जीरो इज इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो फाइव जीरो का वैल्यू क्या आया, जीरो आया, यहाँ से फाइव जीरो का वैल्यू जीरो, ये आपको ध्यान देना है।
अब हमें निकालना है साई वन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यह होता है साई एक्स। इसका वैल्यू क्या हमें मालूम, बिल्कुल मालूम है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ आएगा टेन वर्स एक्स, यहाँ से आ गया टेन इनवर्स, वैल्यू पुट अप कर दो इसमें, टेन इनवर्स इन्फिनिटी। और टेन इन्फिनिटी क्या होता है, टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, टेन इनवर्स टेन पाई बाई टू, तो यहाँ से वैल्यू आ गया इसका पाई बाई टू, मतलब साई वन का वैल्यू हमारे पास आया पाई बाई टू। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। वहीं पास फाइव जीरो का वैल्यू क्या आया था हमारे पास, फाइव जीरो का वैल्यू आया था जीरो। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ आपको लिखना है यूजिंग फ्रूलानीज इंटीग्रल। क्या होता है इसका फॉर्मूला, साई एक्स माइनस साई बी एक्स अपॉन में एक्स इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी डी एक्स इज इक्वल टू साई जीरो माइनस साई वन अपॉन में एक्स लॉग बी अपॉन में ए। अपॉन में एक्स आता है क्या, नहीं आता यहाँ बस। ठीक है, आपको होमवर्क भी मिलेगा चेक करने के लिए, इसलिए भी ध्यान दो, अच्छे से समझो यहाँ बस। अब इसी की जगह आप क्वेश्चन पुट कर दो, तो यहाँ से क्या आएगा, जीरो से इन्फिनिटी यहाँ आएगा टेन इनवर्स ए एक्स माइनस टेन इनवर्स बी एक्स अपॉन में एक्स, यहाँ अपॉन में क्या है एक्स है, यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, ये हो गया डी एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला में वैल्यू डाल दो आप, साई जीरो क्या होता है, साई जीरो का वैल्यू जीरो आया, फिर माइनस साई वन का वैल्यू हमारे पास पाई बाई टू आया, तो यहाँ पास पाई बाई टू और आगे लॉग बी अपॉन में ए, यहाँ पे वैल्यू आया माइनस पाई बाई टू लॉग बी बाई ए। आपको लॉग का प्रॉपर्टी मालूम है कि ये माइनस अंदर जाएगा लॉग में, ये इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, लॉग ए अपॉन में बी, तो हमारा वैल्यू प्रूफ हो गया। इसका वैल्यू हमारे पास क्या आया, पाई बाई टू लॉग बी ए, हमने प्रूफ कर दिया, लॉग ए बाय बी सामने में आ गया पाई बाई टू। और ये क्वेश्चन एज इट इज, ये क्वेश्चन आपको यहाँ लिखना है, ये इसका आंसर है, ये हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना होता है। अब थोड़ा सा हम लेवल इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं फ्रूलानीज इंटीग्रल का। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें मैंने आपको लेवल इंक्रीज किया है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बहुत पूछता है फ्रूलानीज इंटीग्रल का, इसलिए आपको अच्छे से सीख जाना है। आपको मैं होमवर्क भी दूंगा, इसलिए पूरा ध्यान आपको बोर्ड में आना चाहिए, आपको अच्छे से सीखना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे किस फॉर्म में, फ्रूलानीज इंटीग्रल के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो हमारे क्वेश्चन क्या दिया गया, जीरो से इन्फिनिटी बी साइन ए एक्स माइनस ए साइन बी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा, इसे हमें अरेंज करना पड़ेगा। यहाँ क्या करते हैं, हम पहले हमें इसे अपॉन में लाना है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ए बी, यहाँ देख रहे हो आप सामने ए बी है ना, तो ए बी ऊपर नीचे क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पास क्या होगा, जीरो से इन्फिनिटी ये हो जाएगा बी साइन एक्स अपॉन में ए बी आ जाएगा, फिर माइनस ए साइन बी एक्स अपॉन में ए बी, फिर होल अपॉन में एक्स स्क्वायर, फिर ये डी एक्स। अब यहाँ से बी भी कैंसिल और यहाँ से ए और ए कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, इस वाले टर्म को मैं इधर लिख रहा हूँ अब, और इसको आई मान लेते हैं। ठीक है, ये आई हो गया, आई इज इक्वल टू इसे हम लिखेंगे ए बी, ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में ए, फिर माइनस साइन बी एक्स अपॉन में बी अपॉन में एक्स स्क्वायर इस तरीके से, फिर डी एक्स सामने इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी।
अब यहाँ पास फॉर्मूले में क्या होता है, एक्स स्क्वायर तो होता नहीं है, फॉर्मूले में आता है एक्स। आपको मालूम है कि फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर तो आता नहीं है, एक्स आता है। तो हम क्या करेंगे, एक एक्स को ऊपर ले जा लेंगे, यहाँ से ए बी, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में एक्स माइनस बी एक्स अपॉन में बी एक्स। अब यहाँ पास हम दोनों एक्स को ऊपर नहीं ले गए हैं, यहाँ पास बस एक एक्स गया है, यहाँ पास एलसीएम लिए थे लेकिन इसको हम सेपरेट कर दिए हैं बस। ये अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा जीरो से इन्फिनिटी और ये हो गया डी एक्स। यहाँ आ गया आई इज इक्वल टू, ठीक है, अब इसका आगे करते हैं, यहाँ से यहाँ हो जाएगा आई इज इक्वल टू। अब आपको देखना है कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जम गए कि नहीं जमा, ये बस यहाँ सामने आ गया ए बी, यहाँ आ गया जीरो से इन्फिनिटी और ये हो गया फाई ए एक्स। इस पूरे फंक्शन को मैं ए एक्स लिख सकता हूँ, साई ए एक्स माइनस साई बी एक्स, फिर अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए बी साई जीरो माइनस साई वन ब्रैकेट लॉग बी अपॉन में ए, और यहाँ हमने आई मान लिया है, किसको आई माना है हमने, क्वेश्चन को, ये हम आई मान के चले हैं, ठीक है। यहाँ आपको लिख भी देना है लेट आई इज इक्वल टू, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पास हम निकालते हैं, इसे आप नाम देना है इक्वेशन नंबर वन। अब इसका वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ से, साई जीरो का फॉर्मूला क्या होता है आप बताओ। साई जीरो निकालने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए साई एक्स, साई एक्स क्या होगा यहाँ पास, यहाँ पे ए हटा दो आप, कहाँ पे, यहाँ पे ए हट जाएगा ऊपर नीचे, तो यहाँ बचेगा साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन में एक्स, यहाँ लिखना लेट विच इज कंटिन्यूस एट जीरो इन्फिनिटी वी हैव। अब आगे यहाँ से लिखते हैं साई जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साई एक्स, ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से वैल्यू पुट अप कर दो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साई एक्स का फॉर्मूला होता है साइन एक्स अपॉन में एक्स, तो जीरो पुट कर दो यहाँ पास, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ आएगा एक्स के प्लेस में जीरो प्लस एच, ये क्या हो जाएगा साइन एच अपॉन में जीरो प्लस एच, तो बचेगा एच। ये एक फॉर्मूला होता है लिमिट का, ये आपको मालूम होना चाहिए, साइन एच अगर अपॉन में एच आता है इसका फॉर्मूला होता है वन, इसका वैल्यू क्या होता है वन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप गलत कर लोगे यहाँ पास। तो यहाँ पे आ गया साई जीरो का वैल्यू वन। अब हम निकालते हैं साई वन का वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा साइन साई एक्स होता है फॉर्मूले में, साई एक्स डिटेल में ही करते हैं इसे, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में एक्स। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट अप करोगे, ध्यान आपको ये देना है कि साइन का वैल्यू जो है मैक्सिमम माइनस वन टू वन ही जाता है, मतलब वैल्यू इन्फिनिटी पुट करूँगा लेकिन वहाँ पास क्या होगा माइनस वन टू वन, ठीक है, अपॉन में इन्फिनिटी, तो आपको मालूम है कि वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, तो सब में क्या हो रहा है वैल्यू जीरो हो रहा है, तो मतलब यहाँ पास आगे जीरो, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो साई वन इज इक्वल टू जीरो। ये आपको अच्छे समझना है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसे पिक किया, ठीक। फिर यहाँ पे अब इसका वैल्यू पुट अप करते हैं, ये साई जीरो का वैल्यू है हमारे पास, अब इन दोनों का वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर वन में, ठीक है। यहाँ से आएगा आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब ये क्वेश्चन है जो हमें प्रूव करना है, इज इक्वल टू ये आई इज इक्वल टू ए बी, साई जीरो का वैल्यू क्या है वन माइनस जीरो लॉग बी अपॉन में ए, तो यहाँ से आ गया हमारा ए बी लॉग बी अपॉन में ए। तो ये हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया इस तरीके से, हेंस प्रूफ्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसे आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क, होमवर्क है आपके लिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, जो मैंने आपको टेक्निक सिखाया है सेम उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। थोड़ा सा हिंट देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको मालूम होना चाहिए फाई एक्स क्या होता है, थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको मैं, फाई एक्स होगा यहाँ पास ए की पावर माइनस एक्स, ये आपको ध्यान देना है। बाकी आपको सेम फाई जीरो निकालना है, फिर फाई वन निकालना है, इस तरीके से ऐसे करना है, पूरे फॉर्मेट में करना है, जैसे मैं आपको सिखाया हूँ उस तरीके से करोगे तो डेफिनेटली आपको बन जाएगा, और इसका आंसर आपको प्रूफ करके ये दिखाना है,
ठीक है, log b बाई ए यहाँ इज इक्वल टू है बीच में, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो इतना सफिशियंट है फुलानीज़ इंटीग्रल के लिए। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाया जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आएगा, आप आराम से बना लोगे। अगर आपको और चाहिए इसके ऊपर लेक्चर तो आप कमेंट करिए, मैं आपके लिए और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेके आऊँगा फुलानीज़ इंटीग्रल के ऊपर। सो गाइस इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, होमवर्क करके आना ही है, कंपलसरी है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।